सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। मैं जयसवाल फाइनेंस गुरु बाय फाइनेंस सिटी इन्फॉर्मेशन में आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज काफी यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लगातार लाता रहता हूं। दोस्तों एक नया अपडेट आया है जी RBI का, जो कि अभी काफी चर्चा में है रिगार्डिंग PPI। आप यहां पे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें यह लिखा गया है जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाज हैं या फिनटेक कंपनियाज हैं वो क्रेडिट लाइन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती। अगर आप बैंकिंग के थ्रू करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। सीधे सीधे भाषा में यही लिखा गया है। तो यानी कि जितने भी आपकी पे लेटर एप्लीकेशन हैं या फिर वॉलेट्स हैं या फिर कार्ड्स वगैरह हैं, कुछ ना कुछ हाल्ट जरूर होंगे और कुछ ना कुछ आपको देखने को भी मिल गए होंगे। जुपिटराइज ने बंद कर दिया अपनी सर्विसेज, भारत पे ने 90% अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। इवन अगर मैं बात करता हूँ क्रेडिट का जो कार्ड मिल रहा था आपको वो भी अभी नहीं अवेलेबल है, वो भी बंद कर दिया गया है। तो RBI का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रही है कंपनियां और कुछ क्रेडिट लाइंस आप अब यूज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ समय के लिए हाल्ट कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या निकल कर आ रहा है, वो ये निकल कर आ रहा है अगर आप देखें बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट लाइंस वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ कंपनियां तो इट्स ओके, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर बैंकिंग का कहीं पे नामो निशान नहीं है, NBFCs या फिर फिनटेक कंपनियां खुद ही फंड रेज कर क्रेडिट लाइन इशूज़ प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि क्रेडिट लाइन्स प्रोवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली उसमें आपको इशू आने वाला है। कुछ सर्विसेज हाल्ट कर दी गई हैं, ओला पोस्टपेड भी मैक्सिमम जगह बंद हो गया, पेटीएम पोस्टपेड भी लोग अगर फिलहाल कहीं जगह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है मैंने आज किया चल रहा था, लेकिन काफ़ी जगह लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी मतलब पेलेटर्स हैं इसमें इशू आ रहा है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ लेजी पे SBI बैंक का कार्ड है, शायद ना भी कुछ इशू, इसलिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही अपडेट करवा दी कि भैया हम तो क्रेडिट लाइन नहीं दे रहे थे, हम इनको लिमिट्स वगैरह दे रहे थे एज पर बैंकिंग पॉलिसी। तो हो सकता है ये अपडेट उन्होंने दिया हो इसलिए आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही एक्सेप्ट करवा ली। यूनिकार्ड भी आपको SBI बैंक के तहत ही प्रोवाइड कर रहा है, हालांकि पोस्ट पे भी आपको SBI बैंक के तहत प्रोवाइड करा। तो यानी कुछ ना कुछ ये लोग तो सोल्यूशन निकाल लेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन जितनी छोटी छोटी फिनटेक कंपनियां हैं जो कि सिंपल पे लेटर पे आती है, 15 दिन या 30 दिन का समय देती है, इन पे शायद गाज गिरने वाली है और ये शायद बंद भी हो जाए या फिर हाल्ट हो जाए कुछ समय के लिए। अब वो तो आगे जाके ही पता चलेगा क्या है। हालांकि PPI का क्या रूल है वो मैंने आपको बता दिया, भाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के तहत आप अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं या फिनटेक कंपनियां हैं तो आप क्रेडिट लाइंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। सीधा सीधा यही मतलब है, अगर चल रही हैं तो बंद करो, नहीं तो बहुत बड़ी पेनल्टी लगने वाली है। तो ये निकल कर आया है तो कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट पड़ेगा जी पे लेटर एप्लीकेशन को लेके, वो आपको आगे जाके देखने को मिल जाएगा। हालांकि अपडेट तो खैर मैं आपको रेगुलर बेस पे देता ही रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपने पढ़ ही लिया हुआ क्या लिखा गया, वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, फिर भी कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। लेकिन अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि किस हिसाब से बंद होंगी या किस हिसाब से इसका नया जो है अवतार लॉन्च किया जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तो वेट ही करना पड़ेगा और कुछ हाल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।